हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ, एकदम आपके सामने शफल करूँगी इन कार्ड्स को एंड रीडिंग होगी। जैसा कि आपने टाइटल रीड कर लिया होगा कि क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव, दैट मीन्स आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं, लव रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मैरिड है, किसी भी प्रॉब्लम में आप लोग स्टक हो सकते हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट में हैं एंड आप लोग सोच रहे हैं कि उनका मूव क्या होने वाला है, वो नेक्स्ट आपकी तरफ स्टेप लेंगे या नहीं, वो आपके लिए पॉजिटिव होंगे या नहीं। तो किसी भी पर्सन को लेकर अगर आप सोच रहे हैं कि उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आई होप कि गॉड आपको जो है मेरी वीडियो के थ्रू एक राइट डायरेक्शन देंगे। फिलहाल हमारे पास 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 जो ब्लैक कलर दिख रहा है, पाइल नंबर 2 येलो, पाइल नंबर 3 इज़ ब्लू, जो कि इसके जैसा है। ओके, तो आप जो हैं डीप ब्रीथ करके अपने ईस्ट को याद करके पाइल सेलेक्ट कीजिए एंड देन मैं कार्ड्स जो हैं आपके सामने शफल करूँगी ताकि जो डिवाइन गाइड करना चाहे डायरेक्टली मैं आप तक पहुँचा सकूँ एंड आपको कोई डाउट भी ना रहे कि मैंने कार्ड्स जो हैं पहले से निकाल के रखे हैं शुगर कोट करने के लिए, ऐसा बिल्कुल ना रहे। रेस्ट बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे एंड ये रीडिंग जो है क्वाइट जनरल है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो इनसे आपको मिले तो एकदम से आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर दें। आपको अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में अप्लाई करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, बिकॉज दिस रीडिंग इज़ क्वाइट जनरल, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। सो लेट्स वी स्टार्ट। अगर आप लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है तो पाइल 1 के लिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स यू। उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपके लिए, प्लीज गॉड्स सजेस्ट फॉर पाइल 1। दो कार्ड्स एक साथ निकल के आए हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। दिस शोज कि अर्थ साइन है आपका या फिर उनका। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एयर साइन आपका या उनका, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं आपका या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका एयर साइन हो सकता है, अर्थ साइन हो सकता है। 6 ऑफ वैंड्स फायर साइन हो सकता है, सारे साइन आ रहे हैं यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। ओ भाई, इतने सारे कार्ड्स आपके लिए गिर के आए हैं, मैं इनको जरूर रीड करूँगी बिकॉज ये डिवाइनली गाइडेड कार्ड है। 10 ऑफ कप्स वाटर साइन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कार्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं। तो वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, ऑलमोस्ट सभी के सभी साइन यहाँ पर आ गए हैं, बट जो मैक्सिमम साइन यहाँ पर दिख रहा है वो दिख रहा है अर्थ साइन। बट स्टिल आप लोग किसी भी साइन से हो अगर ये कार्ड्स आपको रेजोनेट करते हैं, बिकॉज साइन इतना मैटर नहीं करता। बट मैं ये जोडियक साइन इसलिए बता रही हूँ कि कई लोग बिलीव करते हैं कि जोडियक साइन मैच करेगा तो रीडिंग में भी हमारे लिए है। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। पहले देखते हैं कि आप लोगों की इस टाइम करंट सिचुएशन क्या है। ओके, तभी थोड़ा आइडिया लगेगा आपको कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इन कार्ड्स को देख के जो मैं रीड कर पा रही हूँ, जो मुझे इंट्यूशन हो रही है, वो ये हो रही है कि इस टाइम जो है आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। दैट मीन्स आप लोग ना तो पूरी तरह से अलग हैं और ना ही आप पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि ना तो आप अलग हैं और ना ही आप कनेक्टेड हैं। आप जो हैं, या फिर एक सिनेरियो ये भी है कि आप ना तो अलग हो पा रहे हैं और ना आप साथ में रह पा रहे हैं। अगर जो मैरिड हैं, ना वो अलग हो पा रहे हैं ना वो साथ में रह पा रहे हैं। थोड़ी से कन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी टेंशन्स नज़र आ रही हैं, बल्कि थोड़ी नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा ही हैं।
बट स्टिल जो आपका पार्टनर है अगर उसके बारे में बोला जाए तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं एक साथ मल्टीपल वर्क्स हैंडल करते हो, अगर उनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बोला जाए जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, मे बी कि वो एक से ज़्यादा फाइनेंशियल वर्क हैंडल करते हो एंड वो काफ़ी टैलेंटेड हो, चीज़ों को बैलेंस करके रखना उन्हें बहुत पसंद हो, लेकिन जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि उनमें छुपाव शक्ति काफ़ी है। आप चाहते हैं उनसे कि वो चीज़ें क्लियर करें, दैट मीन्स कमिटमेंट करनी है तो वो कमिटमेंट करें, नहीं करनी है तो वो नहीं करें, तो वो चीज़ें क्लियर करें, लेकिन अभी तक क्या हो रहा है कि वो क्लियरली उनके मन में क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, वो कोई भी बात क्लियर नहीं करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कि यही कन्फ्लिक्शन का जो है रीज़न है कि आप चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर करें, जो भी बात है एकदम डायरेक्टली बोलें, एंड उनका क्या है कि वो छुपाव शक्ति ज़्यादा रखते हैं, वो चीज़ों को छुपाना चाहते हैं, वो डायरेक्टली आपको बताना नहीं चाहते, या फिर उनका नेचर ऐसा है कि वो काफ़ी हाइडिंग नेचर के हैं कि वो नहीं जल्दी से बताते अपने बारे में किसी को। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स का रीज़न है वो यही नज़र आ रहा है कि वो डायरेक्टली आके आपको नहीं बोलते हैं कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या आपको कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं, या फिर उनके मन में क्या चल रहा है, जैसे आपके मन में जो चल रहा है आप उनको क्लियरली बताते हो, ओके, बट वो आपको क्लियरली नहीं बताते हैं, जो ये कार्ड्स देख के मैं समझ पा रही हूँ, वो आपको क्लियरली नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए है भी कि नहीं, या फिर ये इंसान लॉयल है भी कि नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, एंड बहुत सारे डाउट्स आपके मन में रहते होंगे, ऑब्वियसली रहेंगे भी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो एटलीस्ट नहीं है, और अगर थर्ड चीज़ जो है उन्हें जो है अपने में एंगेज कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है, तो वो है उनका फाइनेंस, उनका बिजनेस, उनका कैरियर। इसके अलावा थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, ओके, तो थर्ड पार्टी फाइनेंस के अलावा कोई नहीं है, रेस्ट उनके मन में जो है छुपाव शक्ति ज़्यादा है, एंड ये जो है एट ऑफ कप्स ये भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक ऐसे पर्सन है जो अपनी इच्छाओं को, अपने इमोशंस को, अपने लव को एकदम से जाहिर नहीं करते। दैट मीन्स अगर आपको इन्हें जानना है तो आपको पेशेंटली इनसे डील करना होगा। ये वैसे बहुत लॉयल हैं, बहुत वाइज हैं, एंड फाइनेंशियली ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन रिलेशनशिप में अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं क्योंकि ये चीज़ें खुलकर नहीं बताते, जो इनको बताना चाहिए या जो बात जब होनी चाहिए तब आपको इनसे वो रिजल्ट नहीं मिलते। आपको ऐसा लगता है कि हमेशा जब मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि ये इंसान पलट कर मुझे जो है आगे क्या करना है वो बताए, या फिर जो दिल में है उन चीज़ों को खोल कर व्यक्त करे, तो ये साइड हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक कन्फ्लिक्ट का रीज़न मुझे सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि ये खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप इनको समझ नहीं पाते कि आखिरकार ये लॉयल है या नहीं है, या फिर ये पर्सन मुझसे चाहता क्या है। बहुत लोगों के दिल में ये क्वेश्चन उठता होगा कि ये पर्सन मुझसे क्या चाहता है, तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई मेरे पास ये है कि ये पर्सन काफ़ी लॉयल है, काफ़ी वाइज है, एंड फाइनेंशियली स्टेबल है, प्लस हार्ड वर्कर है, एंड ये पर्सन इमोशनल भी है, ओनली फाइनेंस के ऊपर वर्क करने वाला नहीं है, इमोशनल है, फैमिली के साथ चलने वाला है, परिवार को नज़रअंदाज ये पर्सन कर ही नहीं सकता। तो बस इसका यही है कि ये अपनी भावनाओं को एकदम से व्यक्त नहीं कर पाता, जब तक इसको ऐसा नहीं लगता कि उनको व्यक्त करने की ज़रूरत है। और अगर पूछा जाए कि आफ्टर मैरिज या फिर आफ्टर रिलेशनशिप भी क्या ये ऐसे ही रहेंगे, तो नहीं, क्योंकि ये फैमिली में रहने वाले पर्सन हैं, जब इनको सामने वाले पर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये एक रिलेशनशिप में बन जाएंगे, फैमिली मेम्बर्स हो जाएंगे आप इनके, जो लोग अभी सिंगल हैं और मैरिज के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, तो ये ऐसे बिल्कुल नहीं रहेंगे, तो ये अपने फैमिली मेम्बर से ये अपनी इच्छाएं बहुत ओपनली व्यक्त कर सकते हैं, एंड इनकी लाइफ में बहुत कम पर्सन ऐसे हैं जिनके साथ ये खुल के बात करते हैं,
ऑलमोस्ट 2 या 3 पर्सन इनकी लाइफ में होंगे जिनकी साथ ये खुल के बात करते हैं, क्योंकि इनका नेचर जो है बहुत हाइडिंग है, ये अपनी फीलिंग्स जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जबकि फाइनेंशियली ये बहुत स्ट्रांग है, व्यापार हो, बिजनेस हो, जॉब हो, उनमें ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन इमोशंस, इन्होंने किसी को भी इतनी मैं बोलूँगी कि इतनी फ्रीडम नहीं दे रखी कि कोई भी आए और इनके बारे में सब कुछ जान ले, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत कम पर्सन ऐसे होंगे जो इनकी लाइफ में आएंगे, इनके बारे में जानेंगे, मे बी इनके अपने फैमिली मेम्बर या फिर एक बहुत स्पेशल जिसको राइट मिलेगा इनके बारे में जानने का, इनकी फैमिली मेम्बर बनने का। तो ये पर्सन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही नाइस पर्सन है एंड बहुत लॉयल हैं, वाइज हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड अब आते हैं कि क्वेश्चन पर हमारे, कि इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है भी या नहीं। तो इनका जो नेक्स्ट मूव है, जैसे कि मैंने इनकी अपीयरेंस बताई, तो इनका नेक्स्ट मूव जो आपकी तरफ है कि ये कोई डेट, कोई लव, कोई अफेयर या फिर कोई पार्ट टाइम रिलेशनशिप आप में नहीं ढूंढ रहे हैं, ये आपकी तरफ क्वाइट पॉजिटिव हैं, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड मे बी ये खुद से भी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये ऐसा समझते हैं कि जितने सिंसियर आप हैं लाइफ में, ऐसे इतने सिंसियर लोग लाइफ में बहुत कम होते हैं। तो ये जब भी आपकी तरफ स्टेप बढ़ाएंगे, ये एक कमिटमेंट वाला स्टेप बढ़ाएंगे, एक मैरिज वाला स्टेप बढ़ाएंगे, आपको एक रिस्पेक्टेबल जो है अपनी लाइफ में प्लेस देंगे। तो ये फ्लर्टिंग बिल्कुल नहीं है एंड टाइम पास रिलेशनशिप भी नहीं ढूंढ रहे हैं, तो ये एक बहुत लॉयल एंड जेन्युइन रिलेशनशिप के लिए सर्च कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ये आप में उस रिलेशनशिप को देखते भी हैं, बट जैसे कि मैंने कहा कि ये अपनी फीलिंग्स को जल्दी से नहीं बता पाते हैं एंड ये स्टेबिलिटी बना के चलना चाहते हैं, तो भी इनकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं आई है कि जब ये खुद आपकी तरफ आगे बढ़ें एंड आपको प्रपोज करें। जबकि ये कई बार सोचते हैं कि इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये इमोशनल होते हैं आपके लिए, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं आया एंड जब राइट टाइम आएगा तो ये आपके साथ सीधा ही फैमिली का सपना देखते हैं एंड काफ़ी पॉजिटिव है ये। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये रीडिंग पढ़ के, आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी एंड अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट भी करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल वन। अब हम रीड करेंगे पाइल टू के बारे में, कि पाइल टू के बारे में, पाइल टू को लेकर उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, पाइल टू को लेकर उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। प्लीज गॉड हेल्प फॉर पाइल टू, पाइल टू के लिए हेल्प कीजिए। थ्री ऑफ कप्स, ये मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, आई होप यू कैन सी। एट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम कार्ड इज स्ट्रेंथ। तो आखिर ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है। जो ये पर्सन है, मुझे नज़र आ रहा है कि इनका साइन जो है, जोडियक साइन जो है वो अर्थ होगा। अर्थ साइन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बता रहा है कि अर्थ साइन होगा या फिर होगा इनका वाटर साइन। रेस्ट और साइन भी हो सकते हैं, बट जो लोग जोडियक साइन के अकॉर्डिंग ही सर्च करना चाहते हैं उनके लिए मैंने साइन बताए हैं। एंड द टावर कार्ड बताता है कि आपके बीच में अभी तक काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन फेज में हो एंड आप लोग
एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड ना हो, आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, आप दोनों चाहते ही नहीं हैं कि एक दूसरे की लाइफ में एंटर करना, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी आप पर फोकस किया हुआ है, इन्होंने सिमिलर वे में एज आपने फोकस किया हुआ है इनके ऊपर। ओके, जिन लोगों से ये सिनेरियो मैच करेगा ऑब्वियसली उनके जो पार्टनर होंगे जिनके लिए वो ये देख रहे हैं, फ्यूचर स्टेप भी उनका सेम ही होगा। तो आप लोग करंटली सेपरेशन में हैं एंड मे बी नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, एंड ये पर्सन अभी भी आपको लेकर इमोशनली फील करते हैं बिकॉज आप इनको लेकर इमोशनल हैं, और ये पर्सन आपके बारे में सोचते भी हैं। प्लस अगर इन पर्सन के बारे में मैं और बताऊं तो ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। फाइनेंशियली इनके पास जो होना चाहिए ईच एंड एवरीथिंग इनके पास है, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, वेल सेटल हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। बट इमोशनली ये पर्सन अनसेटिस्फाइड हैं बिकॉज इनको इमोशनली उतना लव, इतना अफेक्शन, उतनी केयर नहीं मिल पा रही अपनी लाइफ में, एंड अगर इन पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक बताऊं तो ये वर्क को लेके बहुत पैशनेट हैं। ये जो हैं मोस्ट प्रोबेबली कि किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या फिर इनका खुद का कोई भी वर्क है। ये पर्सन काफ़ी वाइज हैं एंड सब कुछ होते हुए भी ये पर्सन अपने आप को अलोन फील करते हैं। ही इज़ नॉट हैप्पी इन हिज लाइफ। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होगा, अगर इन कार्ड्स को देख के जो मुझे इंट्यूशन आ रही है वो ये आ रही है कि ये पर्सन खुद से चाहते हैं आपको कॉन्टेक्ट करना, आपसे रिकनसाइल होना, रिकनसीलेशन करना। जो ये पर्सन है इस टाइम अपनी फाइनेंस कंडीशन अच्छी होने के बावजूद भी ये चाहते हैं कि मैं खुद से रिकनसाइल करूं, लेकिन कैसे करूं उसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूज हैं। एंड जो रिकनसीलेशन का साइन मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कि मे बी आप लोग सोशल साइट्स के थ्रू रिकनसाइल हों, या फिर आप दोनों के पुराने फ्रेंड्स जो कॉमन फ्रेंड्स हों वो आप लोगों की हेल्प करेंगे आपको रिकनसाइल करने में। तो ये रिकनसीलेशन इस रीडिंग में मुझे काफ़ी नज़र आ रहा है, काफ़ी बोल्डली नज़र आ रहा है। ये पर्सन रिकनसीलेशन करना चाहते हैं, खुद आगे बढ़ के आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छी लाइफ इमेजिन करते हैं एंड आपके बिना लोनली और सैड भी फील करते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके बिजनेस पार्टनर हो, या फिर ये पर्सन जो है जहाँ वर्क करते हो वहाँ आप भी वर्क करते हो, मतलब आप लोगों का प्रोफेशन सेम हो, या फिर कहीं ना कहीं आपका बिजनेस कनेक्शन भी लग रहा है। बस बट बिजनेस से ज़्यादा कनेक्शन आप लोगों का इमोशनल है, क्योंकि ये पर्सन और आप इनसे, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी इमोशनली अटैच्ड हैं। एंड ये भी इस टाइम वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा आप इनके बिना फील कर रहे हैं। तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आगे आने के चांसेस हैं वो दिख रहे हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कोई आपके दोनों में रिकनसिलेशन करने में हेल्प करेंगे। अब वो थर्ड पर्सन परिवार के बुजुर्ग हो सकते हैं, आप लोगों के कोई अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप लोगों के कोई गुरु हो सकते हैं, या फिर ये थर्ड पर्सन हो सकती हैं सोशल साइट्स एंड सब कुछ, जहाँ पर आप लोग रिकनेक्ट हो जाएं एंड दोबारा एक दूसरे की लाइफ में एंटर कर जाएं। रिकनसिलेशन की फीलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, एंड रिकनसिलेशन के बाद सेलिब्रेशन की फीलिंग्स भी स्ट्रांगली आ रही हैं। सेलिब्रेशन, हैप्पी लाइफ आफ्टर दैट, बिकॉज ये कार्ड्स बता रहे हैं कि जो हुआ वो अब तक हो गया, बट आगे ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेरी गुड। सो इट्स क्वाइट पॉजिटिव रीडिंग। आई एम वेरी हैप्पी फॉर पाइल टू। इफ इट्स रिजोनेट डोंट फॉरगेट टू मैंशन इट इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज डू थम्स अप। ओके, बाय फॉर पाइल टू, नाउ फॉर पाइल थ्री। वेलकम पाइल थ्री, जिन्होंने ये ब्लू कार्ड चुना था, चूज किया था। पाइल थ्री के लिए क्या रीडिंग है,
एंड पाइल टू के लिए जो मैसेज आया है वो मैसेज ये है कि स्ट्रेंथ, आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ अच्छी रखनी है, पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रखने हैं. साइन काफ़ी पॉजिटिव हैं. दिस कार्ड फॉर पाइल थ्री, थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन. पेज ऑफ वैंड्स, ओके. फायर साइन. ओ, ते सारे कार्ड्स. एट ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन. अगेन अर्थ साइन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स. Oh my God, six of pentacles, seven of pentacles, eight of pentacles. And अगर बॉटम कार्ड देखो द टावर है. टावर कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप लोगों को पुरानी चीजें भूलकर एक न्यू स्टार्टिंग करनी है. And देखते हैं कि ये पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए एंड ये क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से. तो मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन फायर साइन या फिर ये अर्थ साइन से होंगे. एंड अगर बात करें इन पर्सन की तो ये पर्सन जो है आपका वेट कर रहे हैं. ही इज वेटिंग फॉर यू. ये आपसे वेट कर रहे हैं जबकि जो चीजें ये लाइफ में चाहते थे इनको सब कुछ मिल चुका है. जिस चीज को पाने के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी अब इनको वो सब मिल चुका है. इनकी ग्रोथ अच्छी हो चुकी है, ये लाइफ में स्टेबल हो चुके हैं. एंड हो सकता है कि इनका साइन लिब्रा हो. ये लाइफ में वेल स्टेबल हैं, सेटल हैं. एंड अगर इनके नेचर के बारे में बात की जाए तो ये बहुत हार्ड वर्कर हैं. ये अपने वर्क को बहुत ध्यान से काम बहुत ध्यान से करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली करते हैं. एंड इन्होंने बहुत मेहनत भी की है अपने लाइफ में खुद को सेटल करने की के लिए. एंड एक टाइम था कि जब इन्हें लगता था कि इनका जो स्टेटस है वो भी स्टेबल नहीं है, ये भी फाइनेंशियली अपने लाइफ में स्टेबल नहीं है. तो मे बी कि यही रीज़न था कि ये अपना कैरियर चाहते थे एंड आप लोग जो चाहते थे, आप चाहते थे इनसे रिश्ता, लेकिन ये चाहते थे कि इनका कैरियर हो. जो यहाँ पे फीलिंग्स आ रही है मैक्सिमम ये सिंगल्स वाली आ रही है कि जिनको कैरियर पहले चाहिए. एंड कैरियर की वजह से इन्होंने रिलेशनशिप को थोड़ा सा साइड में कर दिया था बिकॉज इनका ध्यान था सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पर. नाउ ये कैरियर में काफ़ी वेल स्टेबल हैं एंड काफ़ी काइंड नेचर हैं, काफ़ी कूल नेचर के हैं. अगर इनका नेचर की पूरी तरह से बात की जाए तो ये काफ़ी जो है वेल बिहेव्ड हैं. बहुत ज़्यादा ये पर्सन वेल बिहेव्ड हैं. ये बहुत अच्छे से बात करते हैं, प्लस ये बहुत अच्छे से सामने वाले की बात सुनते भी हैं एंड सामने वाले की फीलिंग्स को समझते भी हैं. बट इनका कैरियर इनके लिए पहले है क्योंकि ये इनको पता है कि जब तक ये कैरियर में वेल सेटल नहीं होंगे तब तक ये फैमिली का प्रेशर नहीं ले सकते. तो इन्होंने अपने कैरियर को स्टेबल करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है एंड रात दिन मेहनत की है इन्होंने सिर्फ कैरियर पे फोकस करके. अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी को लगता है कि उनके पार्टनर की है और उन्होंने पाइल थ्री चूज़ किया है तो थर्ड पार्टी यहाँ पर उनका सिर्फ और सिर्फ कैरियर है. जो पर्सन कैरियर में इतना फोकस हो वो किसी थर्ड पर्सन पे फोकस कर ही नहीं सकता. तो नाउ वो अपने कैरियर में वेल स्टेबल हैं, वेल सेटल हैं एंड अब उन्हें एहसास होने लगा है आपकी एब्सेंस का कि उन्होंने पीछे क्या छोड़ दिया. नाउ ही इज़ वेटिंग अबाउट यू. वो सोच रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में दोबारा से आओ, उनसे रिकनेक्ट हो जाओ, रिकनसाइल हो जाओ. तो ये कार्ड्स भी रिकनसिलेशन की फीलिंग्स को दिखा रहा है, रिकन्सिलेशन के चांसेस को दिखा रहा है. एंड इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा अगर बात की जाए तो ये काफ़ी बोल्डली खाली आपका रिकन्सिलेशन के लिए वेट नहीं कर रहे, बोल्डली एक्शन भी लेना चाहते हैं टुवर्ड्स यू. अगर आपने खुद से इनसे
बात करनी स्टार्ट नहीं की तो ये बहुत जल्दी बहुत लाइक कुछ ही हफ्तों में आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करेंगे, आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे एंड एक अच्छा सा प्रपोजल आपको देंगे एंड हो सकता है कि आपकी डेट हो, आप लोग दोबारा से जो एक दूसरे से मिले हैं उस चीज़ को आप लोग सेलिब्रेट करें, आप इंजॉय करें एंड सेलिब्रेशन दिख रही है। या फिर आप इनकी सक्सेस की पार्टी में मिल सकते हैं कि जो इनके फाइनेंशियल ये लोग ये जो हैं स्टेबल हुए हैं तो ये सक्सेस को लेकर कोई पार्टी करें जिसमें गेट टुगेदर हो और आप दोनों का भी आमना सामना हो, बिकॉज़ ये बहुत ध्यान से बहुत दिमाग लगाकर सोच रहे हैं कि दोबारा आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए एंड कांटेक्ट करने के ये अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं। तो हो सकता है आप किसी गेट टुगेदर में मिलो, हो सकता है कि आप ट्रैवल के दौरान मिलो, हो सकता है कि आप इनके वर्क प्लेस पर इन्हें मिलो एंड जो इनका नेक्स्ट मूव है वो बहुत बोल्ड है आपकी तरफ। दैट मीन्स कुछ ही हफ्तों में ये हर हाल में किसी ना किसी तरह से रिकनसाइल होके आपसे कनेक्ट होंगे ही होंगे एंड अगर देखा जाए तो ये काफ़ी लॉयल हैं, काफ़ी ईमानदार हैं एंड काफ़ी स्ट्रांग डिटर्मिनेशन भी है इनकी। व्यापारी लग रहे हैं, बिजनेसमैन लग रहे हैं। इनको समझना आसान नहीं है बिकॉज जब ये कुछ चाहते हैं तो ये सिर्फ एक टाइम पे एक ही चीज़ चाहते हैं। दैट मीन्स अगर ये पहले चाह रहे थे फाइनेंस और कैरियर तो इनको कैरियर ही चाहिए था। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ जो है आपके बिना अधूरी है तो ये आपको ही अपनी लाइफ में फोकस करेंगे। ये पर्सन वन टाइम में एक ही चीज़ की तरफ फोकस करने वाले हैं एंड उनको पाए बिना वो सब चीज़ें सेट करे बिना इनको चैन नहीं पड़ता कि जब तक जो चाहा है या जिसको ये अपना टारगेट अपना नेक्स्ट मान के चल रहे हैं जब तक वो ये रिसीव ना कर लें, जब तक ये वो अपनी लाइफ में पा ना लें तब तक इनको चैन नहीं पड़ता। तो ये एक टाइम पे एक ही कंसेप्ट को लेके चलते हैं एंड उस पर पूरी ईमानदारी से पूरे हार्डवर्क से पूरी जी और जान लगाकर मेहनत करते हैं कि जिस पाथ पे ये चले हैं इनको मंजिल तक पहुंचना है। तो अब इनकी मंजिल आप हैं एंड जितने ये बोल्ड हैं जितनी इनकी स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है ये कुछ ही हफ्तों में आपसे रिकनेक्ट होंगे, रिकन्सिलेशन भी करेंगे एंड रिकन्सिलेशन भी के काफ़ी स्ट्रांग चांसेस हैं। जो लोग सिंगल हैं मैरिज के यहाँ पे चांसेस हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं आफ्टर मैरिज भी सेपरेशन होता है समटाइम कि फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होती तो सेपरेशन हो जाता है, बट उनके भी रिकन्सिलेशन के काफ़ी स्ट्रांग चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है कि आपके बिना ये मनी भी उनके लिए इनफ नहीं है, आपकी एग्जिस्टेंस होना उनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर वैसे देखा जाए तो ये पर्सन इमोशनल काफ़ी कम है एंड ये प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, लेकिन जो इनका एक ऑरा है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है कि लोग इनकी प्रेजेंस से बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब इनका नेचर ऐसा है कि इनके पास ग्रुप इकट्ठा होने वाला है कि जो इनके पास बैठेगा उनको ऐसा लगेगा कि मैं बैठा ही रहूं, ये इंसान तो बहुत काम का इंसान है। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग जो है पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो थम्स अप करना बिल्कुल मत भूलना एंड अगर रिजोनेट की है तो प्लीज़ मेंशन करना इसको कमेंट बॉक्स में। ओके सो बाय फॉर नाउ, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टेक केयर, गुड डे एंड आप लोग प्लीज़ हाइजीन रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, वीडियोस देख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रभु का नाम ले सकते हैं, अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, इनर वर्क कर सकते हैं, जो जो कमियां घर में रहकर सुधारी जा सकती हैं उनको सुधार सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।